हेलो दोस्तों, कुछ दिनों से आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे कि एयरसेल नंबर से फ़ोन नहीं जा रहा है, फ़ोन नहीं आ रहा है, उसका नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। इसकी वजह है एयरसेल बंद होने वाला है, और इसका कारण तो आप सभी को शायद पता ही होगा, जो कि जियो ही है। उसके आने के बाद सभी मोबाइल कंपनियां लस सह रहे हैं, और ये एयरसेल जो है अभी अभी बंद होने वाला है। तो बिना नेटवर्क के आप किसी को मैसेज भेज नहीं सकते। तो आप सोच रहे हो कि बिना एसएमएस भेजे मैं यूपीसी या पोर्टेबिलिटी नंबर कैसे पाऊँ? जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिना एसएमएस भेजे, कि बिना नेटवर्क ना रहकर भी आप कैसे यूपीसी कोड पा सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है। पहले आप जिस फ़ोन का नंबर आप पोर्टेबिलिटी करना चाह रहे हो, वो नंबर और वो सिम के पीछे जो नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर का लास्ट 5 डिजिट याद रख लीजिए। फिर आप 9853012454 पे कॉल कीजिए। फिर उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन आएंगे। आपको इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पहले आप फ़ोन का नंबर, फिर वो 5 डिजिट का नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद वो अपनी एक यूपीएससी नंबर देंगे, जिसको आप नोट कर लेना। फिर आप कहीं पर भी जाके, जियो हो, वोडाफोन हो, एयरटेल हो, बीएसएनएल हो, कहीं पर भी जाके आप दूसरा सिम ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।